दोस्तों आज का कहानी है भारत के एक ऐसे इंसान की जिन्होंने साइकिल में वॉशिंग पाउडर बेचते बेचते बाद में अपने लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीद लिया। जी हाँ, ये कहानी है वॉशिंग पाउडर निर्मा कंपनी के फाउंडर कारसन भाई खोडीदास पटेल की। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरीज इन हिंदी और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। सन 1945 में भारत के गुजरात के एक किसान फैमिली में कारसन भाई का जन्म हुआ था। उन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री में बीएससी डिग्री हासिल किया। उसके बाद उन्हें लैब टेक्नीशियन की नौकरी मिला, पहले अहमदाबाद के न्यू कॉटन मिल्स में और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में, जो कि उन्हें केमिस्ट्री का अच्छा खासा जानकारी था। इसीलिए उन्होंने ऑफिस से घर आने के बाद घर के आंगन में ही एक्सपेरिमेंट करते करते एक बेहतर किस्म का कपड़े धोने का पीले रंग का पाउडर का आविष्कार किया और उस पाउडर को सन 1969 से बेचना शुरू किया। लोग इस पाउडर की गुणवत्ता और सस्ती कीमत के वजह से जल्दी खरीद लेते थे। उन्होंने इस पाउडर का कीमत रखा था सिर्फ 1 kg में 3.5 रुपये, जबकि उस समय बाकी पाउडर 15 रुपये में आता था। ये उनका ऑफिस के बाद का बिजनेस बन गया। वो ऑफिस अपने साइकिल में 15 किलोमीटर आते जाते थे और घर लौटते समय घर घर जाके रोज 15 से 20 पैकेट पाउडर सेल करते थे। जल्द ही गुजरात के उस जगह पर उनके पाउडर की डिमांड बहुत बढ़ गया। इसके लिए उन्होंने ऑफिस से आने के बाद घर के एक छोटे से रूम में पैकेजिंग करते थे। उनकी निरुपमा नाम की एक बेटी थी जिसकी नाम पर उन्होंने अपने पाउडर का नाम रखा निर्मा। पहले ये उनका एक वन मैन कंपनी था। ऐसे ही 3 साल पाउडर का पार्ट टाइम बिजनेस करते करते कारसन भाई ने अपनी नौकरी छोड़ने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस किया और नौकरी छोड़ के अहमदाबाद के एक जगह पर एक दुकान और एक वर्कशॉप बिठाया। जल्द ही गुजरात और महाराष्ट्र में निर्मा पाउडर को लोग जानने लगे और पसंद भी किया। सस्ता दाम और अच्छा क्वालिटी और गृहिणी के अनुकूल टीवी के विज्ञापन द्वारा निर्मा ने डिटर्जेंट बाजार में क्रांति ला दी और सन 1985 तक निर्मा पाउडर पूरे भारत में पॉपुलर हो गया और एक अच्छा ब्रांड बन गया। सन 1999 तक निर्मा ब्रांड के साबुन और दूसरे प्रोडक्ट भी आने लगे। निर्मा की ये सफलता के पीछे एक और राज था, उनके प्रोडक्ट्स का अच्छा प्रमोशन। उसी समय निर्मा के पूरे भारत में 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और 20 लाख रिटेल आउटलेट थे। इतने बड़े नेटवर्क के वजह से निर्मा के प्रोडक्ट छोटे से छोटे गांव के दुकान तक पहुंच जाता था। ऐसे 10 सालों में निर्मा भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट बन गया। भारत में सफलता के बाद उन्होंने पड़ोसी देशों में भी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ऐसे एक समय जो दूसरों के लिए नौकरी करता था वही आदमी सन 2004 तक 14,000 लोगों को अपने कंपनी में नौकरी दिया, और जो आदमी एक समय 15 किलोमीटर साइकिल से ऑफिस आता जाता था वही आदमी ने सन 2013 में अपने लिए 40 करोड़ की एक हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया। इस कंपनी के अलावा उन्होंने एक फार्मेसी कॉलेज जो है निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो है निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी स्थापना किया है। अब उनका 2500 करोड़ का बिजनेस है और निर्मा ग्रुप को अब उनके बेटे और दामाद चलाते हैं। तो ये था निर्मा की सफलता की और साइकिल से हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की अनोखा कहानी। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को भी ऑन कर ले ताकि आगे आने वाले और भी कंपनी का सक्सेस स्टोरीज और उनके फाउंडर के संघर्षों के बारे में जान पाए। जल्द ही मिलेंगे एक और दूसरा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।